ये है जिंदगी के बहुत ही एक्सक्लूसिव शो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। आप सोच रहे होंगे कि किन की बात कर रही हूँ मैं। मैं अगर एक दो मूवीज़ के सिर्फ नाम ले लूँगी तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि आई हैव प्रैक्टिकली ग्रोन अप सीइंग हिज मूवीज़। एंड अगर मैं उनकी बेटी के बारे में बात करूँ तो ये कह सकती हूँ शी वॉज समवन जिनको आई रियली यूज्ड टू लुक अप टू। मेरे बचपन से मैं इनकी मूवीज़ देख रही हूँ एंड आई एम अ वेरी बिग फैन। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो आई मेक इट वेरी ब्रीफ। नाम कहूँगी सब पहचान जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम टू बी एक्चुअली हियर विथ मी। लेट्स वेलकम फ्रॉम इंडिया द वन एंड ओनली ब्यूटिफुल एक्ट्रेस प्लस डायरेक्टर प्लस प्रोड्यूसर पूजा भट्ट एंड द महेश भट्ट। Assalamualaikum, कैसे हैं आप? And I have a talented young actor from the theatre world. His name is Imran Zahid. आपने मेरा पार्ट पूरा प्ले कर दिया। मैंने कहा एक स्क्रीन पे खुलेगा फिर दूसरा आएगा, लेकिन थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम इमरान, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन कोशिश करूंगी कम वक्त पे बहुत सारी बातें कर लूं। सबसे पहले तो आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। बात करेंगे पाकिस्तान की तो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है आपको महेश अंकल। बिल्कुल, क्योंकि अब दिल वो क्यों करता है, क्यों चाहता है, वो जो चाहता है। These are the mysteries of the heart knows, but the heart has a reason of its own. And we love you, all of us. I love you in Pakistan. All, and I feel कि ये जो होता है ना कि दिल आईना होता है, आप जो मैं महसूस करता हूँ आप तक पहुँचता है, आप जो महसूस करते हैं मुझ तक पहुँचता है। No doubt, love is contagious for sure. I'm sure आप लोगों के इंटरव्यूज में ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या अच्छा है क्या नहीं। तो कोशिश करूंगी कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछूं जिसका आई थिंक हम लोग सब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, कोई चीज नहीं आए सामने। पूजा, इफ आई आस्क यू, माशाल्लाह वी हैव सीन यू विद अस ग्रोइंग अप ऑन द स्क्रीन एंड देन डूइंग यू नो डूइंग डायरेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे बताएं आपके सक्सेस फॉर्मूला का राज क्या है? आई डोंट हैव अ फॉर्मूला। नो नो, व्हाट क्लिक्ड? आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज अ फॉर्मूला। एनीवन हु सेज दे हैव अ फॉर्मूला इज लाइंग। ओके, व्हाट डिड यू डू? वी डोंट नो व्हाई मूवीज वर्क, वी डोंट नो व्हाई मूवीज फ्लॉप। Okay. And the experts lie. Really? Okay. So what do you think you did that really made an impact? I think I was just myself. I had the courage to be myself. And I think if their generation, the women today who kind of remember me for my films that I did and say come back, it's not because I was the greatest actress or I was the best looking woman. It's because I had the audacity to be myself unflinchingly in front of the world and not lead a life that was different behind closed doors and out in the public persona. Mm-hmm. I think me and Manisha Koirala were the first few women who audaciously said, we are who we are, we have a boyfriend, we're 19, it's normal. Yeah. And I think that freed a lot of women out there. वही वाली बात है, जो थे वो हैं, there was no thickness about it. And I had the privilege because I grew up in a household with my mother and father who never kind of reined me in, and at the same time it was a very disciplined household. Absolutely. But I think that I had the courage to be myself, and I, even though people had lots to say, or not to say, I just continue to be myself. I just want to say something. मैं इतने सालों के बाद भी, now mashallah, I have three kids, you know, and मेरा भी जब I was in my last pregnancy, I got this weird feeling of seeing all these old movies again. तो मैं पुरानी मूवियाँ बहुत सारी लेकर आई और मैंने बहुत सारी देखी, और उनमें से जो दो मेरी हमेशा की ऑल टाइम फेवरेट मूवीज थी, आई रियली वांट टू से, इज दिल है के मानता नहीं है और हम है राही प्यार के। एंड आई स्टिल सॉ इट एंड आई वाज सो हैप्पी, मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए। मुझे प्लीज बताएं आपका फेवरेट कौन सा मूवी है ऑल टाइम ऑफ योर वर्क? देखिए ये मेरी एक यूनिक बात रही है कि हमने दोनों किस्म का सिनेमा बनाया, अर्थ बनाया, जख्म, सारांश, दी अल्टीमेट सड़क, हमें रही प्यार के, द कमर्शियल एस्पेक्ट। या तो मुझे कभी इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आया था, मगर ये फिल्म मेकर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी कौन सी फेवरेट फिल्म है। आई वुड से 5 मिनट्स फ्रॉम वन फिल्म, 2 मिनट्स फ्रॉम वन फिल्म, 10 मिनट्स फ्रॉम द अदर। इट्स लाइक द मोमेंट्स इन द फिल्म, जिस तरह जिंदगी मोमेंट्स से बनती है उसी तरह फिल्मों के मोमेंट्स आपको याद रहते हैं। तो महेश साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है आपकी मूवियों में रिफ्लेक्ट करती है, इज इट ट्रू? Not all films. हाँ, कुछ. Do you get inspired by your life or other people's life? या सब नहीं, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो brutally autobiographical है, जख्म जो थी, जन्म फिल्म थी, अर्थ certain extent, डैडी also certain extent, आशिकी की जो लव स्टोरी का जो जो चैप्टर है वो इनकी मदर के साथ मेरा जो स्कूल रोमांस था वो है उसमें। बट हाँ, फिल्म मेकर लाइक मी will be remembered by the world as
एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने अपनी आबीती को कुछ जगमीती के साथ में मिक्स करके एक ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा का एक ईडियम क्रिएट किया. व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ? आई एम स्केयर्ड ऑफ नॉट लिविंग माय लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स, इफ यू कैन से व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ. बट ऐसा लगता ही नहीं कि अब तक ऐसा कोई लम्हा आया है जब मैं वो कर नहीं पाया हूँ जो मेरा दिल मुझसे कहता है. okay. मगर डर अगर है, क्योंकि इंसान हूँ, डर होता है इंसान में, तो फियर यही है कि आई विल नॉट बी एबल टू लिव द लाइफ दैट आई थिंक आई शुड बी लिविंग. और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे जो सोसाइटी के रूल्स फॉलो करूँगा, मगर अंदर से मैं वो एक्सप्रेस करूँ जो मेरा दिल कहता है. या नहीं भी एक्सप्रेस करूँ, आई डोंट हैव टू एक्सप्रेस इट ऑल द टाइम, मगर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी anybody else but myself. That's very true, and that is I think being reflected here in your I think children as well. As far as Pooja is concerned, wo nazar aata bhi hai. If I ask you one more thing, movies ke andar aapne dosti ko bahut zyada hamesha tarjeeh di hai, friendships ko. So are you really hard on friendship? Do you have many friends? I had the greatest friend, if you can call him a friend, in my life called UG Krishnamurti. Jinhone meri zindagi ko kahan se kahan pahuncha diya, and it was his friendship which has been the lifeblood of my existence. So, dosti bahut important hoti hai zindagi mein. And not many people are lucky to have a friend. That's very true. I totally agree with you. Because agar aapko ek dost mil jaye, ek acha dost, to phir zindagi guzar jati hai. Zindagi ke mushkil mushkil waqt bhi guzar jati hai. Zindagi guzar jati hai. Kya baat. Agar aap kisi se kahe ki I want to be a friend, to phir yaad rakhiye ki phir uske saath mein bahut zimmedariyan aati hain. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जिम्मेदारी और निभानी पड़ती है. बिल्कुल, हम अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो कहीं ना जाइए, जल्दी से जाएं, चाय और कॉफी पकड़े और हमारे साथ रहिएगा. वी टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक या स्टे ट्यून्ड. पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा बेचारा ऐसा ऐसा सांस लेने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं हम पूरे. टैलेंट देखती है हमारे लोगों में. यार, यू ऑल हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड. ओके, यू ऑल हैव द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड. यू हैव द बेस्ट म्यूजिक. अभी क्या जान लोगे? हाँ, एटलीस्ट इन सम एरियाज बी काइंड ऑफ बी फ्लेजलिंग एंड पिकिंग अप. आई बिलीव स्ट्रॉन्गली दैट द म्यूजिक दैट कम्स फ्रॉम दिस रीजन इज सो रिच. Pooja, daddy was your first debut as an actor. So how was the experience? Dar laga tha? I didn't want to be an actor. I didn't think I had it in me. I had no aspiration to be an actor, unlike Alia, right, who was very clear from the time she was, I think, 3 years old that she wanted to be an actor. Okay. So when I was offered daddy, my first response was to say no. Okay. Because not because I thought I was above it. I just thought I was not capable of ever being a good actor. Besides, because I grew up watching people like Shabana Azmi, Smita Patil. Yeah. I mean, my home was a kind of a place where all these people came and kind of, you know, got together and discussed everything from divinity to art and death. So I grew up in a very kind of an electric kind of an environment. And I realized that more than the acting and what happens in front of the camera, fame is not an easy game to play. Hmm, absolutely. You know, to kind of be in the spotlight and to kind of, you know, have your belittling failures and have your successes, it's not an easy game. So I didn't think I was made for that. Okay. But then he gave me 24 hours to decide, and then when I didn't, he told me, he says, okay, you don't want to do it, I'll replace you with Twinkle Khanna, Dimple's daughter. And I was like, hang on. I did it, and I kind of said yes to daddy, and there was no looking back then. And after the experience, when you saw yourself being screened, when you saw it on the big screen, I watched myself like this. I still watch myself like this. I'm not in awe of myself, and I just said no to Aashiqui just a week before the first copy of Daddy came out. So it was not a very, it was quite a somber screening. Daddy complete होने के बाद में हमने इनको आशिकी offer की. And I said no to it. Oh my. मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता नहीं कि मुझे और acting करनी है, एक कर लिया मैंने बस. So she was temperamental when she was 18. Oh yes, we can figure that one out. Daddy के बारे में क्या कहेंगे? Daddy एक alcoholic phase था मेरा, जब I was very much in the throes of that addiction. मगर I have been able to kick that habit. 28 साल हो गए हैं, 27 साल हो गए. Wow. I have not touched a drop of alcohol.
तो मैं कहता हूँ कि अगर मैच हो सकता हूँ तो anybody can do it. And you feel you cannot, but you can. You can. And बस मान लीजिए कि you are an alcoholic and उसके बाद बोलिए कि मैं आज नहीं पीऊंगा. तो वो दिन हो और दिन हो, डिनायल से निकलना है. हाँ, बस you have to own up कि हाँ. Okay. Now daddy being your movie and then seeing it on the theater. So what do you have to say for that? Are you happy with Imran's performance as daddy? Well, I'm not very happy with what was the first show because they say it was technically they were kind of challenged, but mujhe sunne mein mila ki second show was very good. Okay. But I'm happy that Imran ne ye concept anokha discover kiya ki cinema ko theater ke form se hum पेश करें और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक लीप था. Absolutely. और क्योंकि ये नापा का एक प्लेटफॉर्म था तो यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाती है. और क्योंकि ये देखिए खाना खाना साथ बैठ के या सिनेमा देखना या प्ले करना वो तो बहाना होता है एक दूसरे को करीब लाने का, जोड़ने का किसी को. बट आई थिंक जब तक कलाकार में फनकार में ये हिम्मत है कि वो मान ले के हाँ कहीं पर we were short of what were expected, only then you can correct then yourself. You can correct it. Absolutely. और ये हर एक के बस की बात होती नहीं है. हमने बहुत कड़वी सच्चाइयाँ सुनी अपने बारे में और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे में वो है ही नहीं. कि उन्होंने फिर जगाया मेरे अंदर वो एहसास. तो जिल्लत जो होती है वो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है आपको कुछ करने की. और बिना जलील हुए कोई करता ही नहीं कुछ इंसान. बट डू यू एग्री कि वो इंसान के ऊपर होता है कि उसको उस क्रिटिसिज्म को वो किस तरह अपने ऊपर लेता है, राइट? वो हाउ डू यू मेक आउट ऑफ इट. आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड आई फील कि नो एक्टर और एंटरटेनर कैन एस्केप दैट. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू hear better things about your own self. Okay. और ये मैंने अपने करियर में कन्फ्रंट किया, बार बार अब भी करता हूँ. इसलिए आसपास के लोग मुझे जो है उनको लगता है कभी मैं बहुत हार्श बोलता हूँ. मैं कहता हूँ कि द ऑडियंस इज वेरी हार्श. और ऑडियंस क्यों ना हो हार्श? और व्हाई नॉट बी ऑनेस्ट? आपने ऑडियंस आपको वक्त देती है, पैसा देती है, अपने जिंदगी के कीमती लम्हे निकाल के देती है. और आपका वो फर्ज है कि आप अपना सब कुछ देकर उन्हें उस टाइम जो उन्होंने दिया उसमें आप उन्हें कुछ दें. और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो इट्स अ फेलियर ऑन योर पार्ट. बिल्कुल ठीक. तो ये हमने एक सच्चाई जिंदगी में कन्फ्रंट की और यही कहता हूँ. तो मैंने इमरान से कहा कि भैया पहली परफॉर्मेंस जो थी उससे हम खुश नहीं थे और अपने आप को ठीक करो. तो इन्होंने अपनी सुना, सेकेंड परफॉर्मेंस ठीक की, मगर आज क्लोजिंग सेरेमनी है तो उम्मीद करते हैं कि आज बैठ के देखेंगे. अगर ठीक नहीं होगा तो फिर डांट लगाएंगे, कूसा मारेंगे. और अगर बहुत अच्छा हो तो गले लगाएंगे. नहीं, बट विद यू द गुरुज ऑफ कोर्स, आई मीन आई एम श्योर वी आर ऑल गोइंग टू लर्न सो मच. एंड क्यों इमरान, सही कह रही हूँ मैं, सीखने का मौका है, हाथ से ना जाने दीजिए. बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि महेश भट्ट पूजा भट्ट के साथ बैठ के आपको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि दे विल बी मोमेंटस मैं इनके साथ कभी बैठा हूँ. और डैडी फिल्म जब दूरदर्शन पर आई थी तो बड़ा इमोशनल था वो फिल्म. तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो डायलॉग्स और वो सॉन्ग्स कभी लिपसिंग करने के लिए मुझे मिलेगा. सो इट्स लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. एंड अभी इमरान आपसे मुझे बहुत सारी बात करनी है, लेकिन मुझे चूंकि पता है कि मेरे पास इनके साथ वक्त बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी दो चार बातें और पूछूंगी, फिर मैं आप लोगों को खुदाफिज भी कह दूंगी ताकि आप लोग जा सके. नो नो, आई विश आई गेट मोर टाइम. सो यू बोथ हैव टू प्रॉमिस मी, तो अगली दफा जब भी आएंगे सायरा कबीर डॉन न्यूज इंशाल्लाह विशाल fulfill that promise. Inshallah. अच्छा पूजा, tell me something, चूंकि जाने का टाइम है. पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अब थोड़ा थोड़ा बेचारा ऐसा ऐसा सांस लेने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं हम पूरे. टैलेंट दिखती है हमारे लोगों में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारे लोग जब वहाँ चले जाते हैं पुल के वो दूसरे तरफ तो वहाँ जाके टैलेंट नजर आता है, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता. यार यू हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड. ओके. यू हैव द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड. यू हैव द बेस्ट म्यूजिक. अभी क्या जान लोगे? हाँ, एटलीस्ट इन सम एरियाज बी काइंड ऑफ बी फ्लेजलिंग एंड पिकिंग अप. आई बिलीव स्ट्रॉन्गली दैट द म्यूजिक दैट कम्स फ्रॉम दिस रीजन इज सो रिच. आई मीन माय ओन फिल्म पाप
if I take away the contribution of Ali Azmat and of Raat Fateh Ali Khan, there is no film. I mean, whether it's Asa, whether it's Mustafa, whether it's, you know, I mean, all of these people, I think that, and I asked Ali this question once, Ali Azmat, I said, how come your music is just better than our music sometimes? He said, because we can't hide behind a bad video. And we can't hide behind a woman with cleavage. We have to make sure our melody is very strong. And that was great learning for me. So I think that I have gained immensely from the contribution of artists from here. And I think that we have too much to, you know, to kind of gain from each other. Collaboration, exactly. We've been having our unofficial collaborations anyway. Pap was a collaboration. It belonged as much to the people of Pakistan as it did to India. I mean, whether it was Meera being launched, whether it was whatever, it might be even Jism 2. Yes. It had two songs with Ali sang, and if anybody else in the world had sung them, they would never have the same feel. That's very true. Ali is a great singer and we're very proud of him. यहाँ वक्त में एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं ना जाएगा अभी ब्रेक के बाद. आगे भी हमारे पास बहुत सारे मेहमान भी हैं, बहुत सारी बातें भी करनी है. सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. इंडियंस भी हमें इतने ही प्यारे लगते हैं जितने पाकिस्तानी हमें अपने जैसे लगते हैं. अपनी शक्ल, अपनी बातें, अपने खाने, यू नो, वी आर वेरी सिमिलर इन मेनी वेज. तो दिस इज योर मैसेज फॉर द लव, फॉर पीस. आई वुड से कीप द प्रोसेस अलाइव एंड यू विल कीप इट अलाइव इंशाल्लाह. सिर्फ मेरे से नहीं होगा, सिर्फ इससे नहीं होगा, सिर्फ पूजा से नहीं होगा, आपसे होगा. यू शुड कीप दैट प्रोसेस ऑफ पीस अलाइव. अच्छा महेश साहब, टेल मी समथिंग. अगर मैं पूछूं, बहुत सारे लोग डायरेक्टर बन जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, एक्टर्स भी आप देखते हैं इधर उधर हमारे यहाँ पे भी, तो व्हाट इज़ द, आई वुड से द की इंग्रेडिएंट फॉर अ गुड डायरेक्टर? लेट्स टॉक अबाउट अ डायरेक्टर फर्स्ट. एम्पैथी. यू नीड टू हैव एन हार्ट दैट सोक्स इन लाइफ. जिंदगी को, कैरेक्टर को नजर से देखना, लोगों को उस नजर से देखना, उनके दर्द को पी जाना, अपने अंदर उसको उंडेल लेना, और फिर एक अच्छे स्ट्रक्चर के थ्रू, एक अच्छे कहानी के नैरेटिव के थ्रू आप उसे अपने कैरेक्टर्स के जरिए उसको पेश करते हैं, तो उसका एक रंग ही अलग होता है. आई थिंक द की इज़ टू बी लाइक अ चाइल्ड हु इज़ क्यूरियस ऑल द टाइम. ओके. और द एबिलिटी टू सोक इन पेन एंड कन्वर्ट दैट इनटू लव. अल्टीमेटली सिनेमा जो है, जो हील नहीं करता है, जो आपको करीब नहीं लाता दूसरे के, जो आपको इंसान होने के एहसास को सेलिब्रेट करने के लिए मजबूर नहीं करता, वो सिनेमा छोटा है. गाना अच्छा हो या सिनेमा अच्छा हो या थिएटर का कोई परफॉर्मेंस अच्छा हो, वो आपको लार्ज, बड़ा महसूस कराता है. यू गो इन स्मॉल टू फील अलाइव. हाँ, यू फील अलाइव, यू फील बिग. आपको लगता है कि ये एहसास मेरे अंदर नहीं, मगर वो कैरेक्टर के थ्रू आप बड़े हो जाते हैं. मगर मेरा ये मानना है कि जो आपको छू जाए, आपके जिस्म को छू जाए, आपकी रूह तक पहुंच जाए. अच्छा, do you feel anyone can be an actor? I think there are certain bodies of people which are actors' bodies. They are born. कुछ bodies होती हैं which are hardwired to be vehicles of good acting. Craft आप सीख सकते हैं, but nobody, वो आप, वो जो talent है, वो talent वो, है. वो that is the gift of life. So universities cannot create poets, musicians, filmmakers, actors. You can give a basic skill. Okay. उसके बाद में वो skill जो है springboard है, but ultimately वो आपके DNA में शायद होता है. आपकी इस बात से मुझे बहुत होप मिली, क्योंकि हम हमेशा इसी बात पे क्रिप करते हैं और रोते रहते हैं कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं है यहाँ पे जिससे हम, यू नो, बच्चे हमारे यहाँ ट्रेन हो सके. लेकिन एज यू आर पुटिंग इट करेक्ट, कि टैलेंट होना चाहिए. अगर टैलेंट होता तो आई गेस यू कैन मेक योर वे इवेंचुअली. हाँ, वो चमकता है फिर, इट जस्ट शाइन्स. अब फिर मजबूर होकर लोग ढूंढते हैं, आते हैं. जबरदस्त. देखिए, राहत भाई ने कितना अपना आतिफ, राहत, जवाद, मुस्तफ़ा, अली, आई मीन फुवाद खान जो हैं, आपके स्टार हैं, जो ही हैज कम इनटू इंडिया एंड बिकम अ स्टार पेज, एंड देयर आर इन्यूमरेबल पीपल. तो आई वुड से कि टैलेंट आज नहीं कल जो है अपना एक स्पार्कल दिखाता ही है.
क्या बात है, क्योंकि वक्त हो गया आप लोगों से दोनों से इजाज़त लेने का। इमरान आप कहीं ना जाइएगा, ठीक है, आपको यहाँ बैठे रहना है, ओके। लेकिन जाते जाते कुछ मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा और ये भी बता दें कि अब आगे व्हाट ऑल आर गोइंग ऑन, आगे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए अभी हम तो ये सिलसिला जिंदा रखेंगे। हमने बेटन डैडी के परफॉर्मेंस के बाद स्टेज पे पूजा को दे दिया है कि अब जो हम दौड़ रहे थे इंडो पाक कल्चरल स्पेस में एक पीस का पैगाम कंटिन्यूस बचाने के लिए, ना ही शुड कैरी इट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि आई एम एबडिकेटिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फासले हमारे दिल के हैं वो अपने हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो थ्रू द परफॉर्मिंग आर्ट्स वी कैन ब्रिज इट। होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट अलाइव। कल मैं यहाँ के गवर्नर साहब से मिलने गया था सिंध के, और मैं चौंक गया जब मैंने देखा कि उन्होंने एक वीडियो क्लिप दिखाई हमें, बिकॉज वी हैड सीन दैट इन ऑन ट्विटर इन इंडिया, वे ही प्लेज अ सॉन्ग फ्रॉम तुम ही हो मेरी फिल्म का आशिक किया। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज स्टनिंग कि व्हेन यू सी सच अ इंपॉर्टेंट पर्सन कि भैया गवर्नर ऑफ सिंध हैं, बहुत ही अनअज्यूमिंगली वो गिटार बजा रहे थे एंड द चिल्ड्रन वर एंजॉयिंग इट। अब ये एविडेंस ऑफ व्हाट कल्चर कैन डू नहीं है तो क्या है। मैं वो सिनिक से कहता हूँ कि हम जब 2003 में आए थे तो लोगों ने यहाँ भी कहा था वहाँ भी कहा था क्या होगा। अरे भैया यहाँ के गवर्नर ने आपके हिंदुस्तान की फिल्म का गाना स्टेज पे बजाया और बच्चों ने तालियां बजाई, ये अपने आप में इस प्रोसेस की एक फ्लावरिंग है। बिल्कुल है, आई टोटली एग्री, एब्सोल्युटली। मैं यहाँ जरूर एक बात ऐड करना चाहूंगी, यूजुअली हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं और हम नॉर्मल किसी भी हमारे रीजन के किसी भी फेलो इंडियन से या फेलो पाकिस्तानी से मिलते हैं तो इंडियंस भी हमें इतने ही प्यारे लगते हैं जितने पाकिस्तानी हमें अपने जैसे लगते हैं, अपनी शक्ल, अपनी बातें, अपने खाने, यू नो वी आर वेरी सिमिलर इन मेनी वेज। वो तो है, और खासतौर पर क्रिकेट मैच में तो फिर इट्स लाइक अल्टीमेट है ना, लेकिन आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस स्पेशल। हमें अब चाहिए कि अपने जो वीकनेसेस हैं वी शुड वर्क ऑन देम एज एज सिटीजन्स, वी शुड ऑल वर्क ऑन इट और खुशियाँ फैलाएं और क्या। तो दिस इज योर मैसेज फॉर द लव फॉर पीस। आई वुड से कीप द प्रोसेस अलाइव and you will keep it alive inshallah. sirf mera mere se nahi hoga, sirf isse nahi hoga, sirf puja se nahi hoga, aap se hoga. you should keep that process of peace alive. puja, any last message you would like to give? there's no message, I would just like to say thank you from the bottom of my heart for all the overwhelming love that we receive each time we come back to this country. and I think it's just when you feel that people back home have forgotten you or you kind of have forgotten who you are, I would say just come to Pakistan and they remind you how special you are. so thank you is what I would like to say. That's my message for the morning.